आज उत्तम सोच धर्म का दिन है। चारित्र से चारित्र कभी नहीं बनता है, चिंतन से चारित्र बनता है। चिंतन प्रशस्त हो तो चारित्र बनता है, और चारित्र कभी नहीं गिरता है। चिंतन पहले गिरता है, फिर बाद में चारित्र गिरता है। शरीर का धर्म तो कई बार किया, आज देह का धर्म नहीं, देही के धर्म की बात है। गंगा में कितनी बार नहा लो, नदियों में कितनी बार नहा लो, ये देह अपवित्र हो जाती है। गंगा नदी का नीर निर्मल, क्या बार मल धोबे सदा, अंतर मलों के छाल में वो नीर से पूजू मुदा। मुदा का क्या मतलब है? नीर से पूजू मुदा। गंगा नदी का नीर निर्मल नव देवता के पूजन में आता है, सत्संग को याद होगा। नव देवता गंगा नदी का नीर निर्मल बाह मल धोबे सदा। जो नदियों का जल है उससे बाह मल धुलता है, वो कुछ समझेंगे नहीं। अंतर मलों के छाल ने हो, अंतर में तीन मल लगे हुए, कौन कौन से? द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नौ कर्म मल। इन दो प्रक्षालन करने के लिए नीर से पूजू मुदा, मुदित होकर जल से पूजन करता हूं। मुदा मतलब मुदित होकर, उत्साह से भरकर, मुंह लटका कर नहीं। हमने कहा कि आज का धर्म देह का धर्म नहीं, देही का धर्म है। चिंतन प्रशस्त होगा तो चारित्र प्रशस्त होगा, चिंतन गिरेगा तो चारित्र गिरेगा। यदि हम सोचे कि सिर्फ मंदिर आने मात्र से धर्म हो जाता है, तो भैया आप कितनी देर के लिए मंदिर आते हैं? घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए। लेकिन मंदिर में रहने वाला चूहा और अन्य कीड़े वो तो 24 घंटे रहते हैं। भगवान को स्पर्श करने मात्र से धर्म हो जाता है, तो आपको जब शुद्ध वस्त्र पहनेंगे तब स्पर्श कर पाएंगे। एक बार चूहा तो भगवान के ऊपर कई बार स्पर्श करके कूद करके बाहर निकल जाता है। तो आज का विषय अंतस में बैठते अंतस के लिए सुनना है। इसका ये मतलब नहीं कि मंदिर आना नहीं है, मंदिर जरूर आना है। जिसको अपना मन मंदिर बनाना है उसको मंदिर आना ही पड़ेगा। जो अपनी आत्मा का धर्म जानता है वो मंदिर जरूर आएगा, वो भगवान के दर्शन जरूर करेगा। और सबसे ज्यादा पुण्य का वर्धन होता है अभिषेक देखने, अभिषेक करने में। हम तो कहते हैं कि सैटरडे संडे जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरूर लाया करो, बढ़िया माथे पर बड़ा सा टीका लगाया और एक धारा करवाई भगवान की, ये करके चढ़वाया और ले गए। ये संस्कार तो निश्चित रूप से यदि लौकिक सफलताएं देखें तो कई गुना ज्यादा जल्दी प्राप्त होंगी, और आध्यात्मिक सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी। ये संस्कार का अभी बहुत भीड़ दिखते हैं, 50-55 लोग, 60 लोग अभिषेक करने के, अच्छा लगता है। क्योंकि हमने सोचा कि मात्र मंदिर बनाने और इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों से धर्म नहीं बचने वाला है। खूब सारे तीर्थ क्षेत्र वहां पर जाने वाले जब तक पुजारी नहीं रहेंगे तब तक क्षेत्र नहीं बचने वाले। आज गांव के गांव खाली हो गए, मंदिर विशाल भरे पड़े हैं, अब वो कितने दिन रहेंगे नहीं कह सकते। कितने सारे क्षेत्र मिलते हैं जहां भी खुदाई करो प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन समाज के अभाव के कारण, समाज की जागरूकता के अभाव के कारण वो सारी चीजें विलुप्त होती चली जा रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा पुजारियों की संख्या मंदिर में। हम कहते हैं कि जितने अभी आ रहे हैं, पर्यूषण खत्म होने के बाद कम से कम इतना संकल्प लें कि महीने में 4 दिन जरूर आएंगे, संडे के संडे, रविवार के रविवार अभिषेक करने जरूर आएंगे। धीरे धीरे बढ़ती है रात, संडे टू संडे आना प्रारंभ होगा, फिर कभी बीच में मौका मिला तो फिर आना प्रारंभ। लेकिन प्रण लेना पड़ेगा,
कि महीने में चार दिन जरूर आए ऐसा। प्रतिज्ञा करने से क्या फायदा होता है वो संयम के दिन बताएंगे कि प्रतिज्ञा करने से ये फायदा होता है कि जो मन है ना वो बड़ा धोखेबाज है, वो तो यही कहेगा कि हो गया कल देखेंगे, आज थोड़ा सा आराम कर लो, दूसरा काम है निपटा लो। प्रमाद मन घेरेगा। देखो मन कैसा चलता है, जैसे गूगल चलता है। आप गूगल में एक बार सर्च कर दो कोई भी चीज, जैसे आपने सर्च की कि रोटी खाने के फायदे क्या है, तो उसमें बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी रोटी खाने के फायदे आपको बता देंगे। और दूसरा वहीं पर सर्च कर दो कि रोटी आटा की रोटी खाने के नुकसान क्या है, तो सारी जानकारी रोटी खाने के नुकसान संबंधी आ जाएगी। ऐसे ही यदि आपने मन में सोच लिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो तमाम बहाने मन लाकर आपके लिए खड़ा कर देगा कि नहीं ये आपसे नहीं हो पाएगा। और यदि आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, तो तमाम सकारात्मक चीजें आपके सामने लाके खड़ा कर देगा कि हाँ आप कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए स्वयं को और लौकिक जगत में भी यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सकारात्मक सोचना पड़ता है। मतलब लक्ष्य का धारणा का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि एक बच्ची थी, 11th में थी, उसने पेपर में देखा कि 12th में एक बालक ने टॉप किया है, उसने वो कटिंग काटी और उस बालक की जगह अपनी फोटो लगाई और उस हेडिंग में लिखा कि अगले वर्ष की टॉपर मैं हूँ। और जहां पर वो स्टडी करती थी वहां पर उसने चिपका दिया, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम उसने साल भर पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई की, और अगले वर्ष जो रिजल्ट आया उस वर्ष 12th का, तो उसकी टॉपर पर रखी थी। क्योंकि उसने सोच लिया और सकारात्मक प्रयास भी उस ओर किया। ये दृष्टांत लौकिक जगत का है कि यहाँ पर मेरी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें लक्ष्य पर सदा दृष्टिपात करके रखना पड़ता है, और यदि आध्यात्मिक जगत पर भी करना है तो सोच भी हमें कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, तब हैबिट टूटती है और नई हैबिट बनती है। अभी 10 दिन हमने पहले दिन से भी कहा कि 10 दिन हैं जो पुरानी आदतें हैं उनको तोड़ने के लिए आई है। 10 दिन जो सुबह लेट उठते थे उनने अपनी दैनिकचर्या में हो सकता है कि परिवर्तन किया हो, और जल्दी उठने का आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठने की हैबिट डाली हो कि 10 दिन तो कम से कम मंदिर जाना है, अभिषेक करना है। जब 10 दिन इतना हो सकता है तो आगे आने वाले 355 दिनों में कुछ दिनों के लिए इतना हो सकता है, बस सोचने की बात है। लोग पाप का पाप बखाना, आज पूजन की थी उसमें एक पंक्ति आई थी 10 लक्षण धर्म की, लोभ पाप का पाप बखाना। लोभ को पाप का पाप कहा है। इसका ये अर्थ है कि जितने भी पाप पैदा होते हैं उसका पिता है तो लोभ है। यदि जीव मायाचारी करता है, क्यों करता है, तीव्र आसक्ति उसकी है, उसके कारण अपनी आसक्ति को पूर्ति करने के लिए वो मायाचारी करता है, अपनी लोभ की पूर्ति करने के लिए। सारी मायाचारी इसीलिए होती है, और लोभ से धन का नहीं होता है, पद का लोभ, घर का लोभ, नाम का लोभ, परिवार का लोभ, जितने भी प्रकार की आसक्तियां हैं, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, वो सब लोभ की श्रेणी में आते हैं। और जो भी मायाचारी होती है सब उसी के लिए होती है। अहंकार भी और क्रोध भी लोभ के कारण होते हैं। जो लोभ हमारे लोभ में सहयोगी बन जाता है उससे अहंकार पैदा होता है, जो हमारे लोभ में रुकावट पैदा कर देता है उसके प्रति क्रोध आ जाता है। कोई पद हमें चाहिए है, कोई पद चाहिए है जो सहयोगी बन गए हैं, उन्होंने गुणगान कर दिया है तो एक अहंकार आ गया, और जो उस पद को प्राप्त करने में रुकावट बने हैं उनके प्रति क्रोध आ गया। तो कई प्रकार का क्रोध
कई प्रकार का लोभ के अंतर्गत कई प्रकार का पाप ये जीव करता चला जाता है। और इस जगत में यदि सबसे ज्यादा सुख है तो वो संतोष में, इसलिए कहा सुख पावे संतोषी प्राणी, सुख पावे संतोषी प्राणी। एक अच्छा सूत्र आज हम देते हैं, ये अपने अंदर भगवान के सामने आओ, कभी आप सुकून से बैठो तो ये सूत्र याद रखना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या देखो, दो भावनाओं में ये जीव भटकता है, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, या तो हीनता की भावना में गिरता है या अहंकार की भावना में गिरता है। थोड़ा सा मन के मुताबिक नहीं हुआ, देखो जब ये भावना आए, हीनता की भावना आए, अब किसी माँ को माना इस बात की बड़ी तकलीफ है कि उसके पास सोने की पायल नहीं है, तो संसार में थोड़ा सा आंख उठा के देखे तो ऐसी माताएं लाखों की संख्या में हैं जिनके पास पैर ही नहीं है, कम से कम आपके पास पैर तो हैं। यदि किसी हीनता की भावना से आप गिर जाए कि आपके पास धन कम है, फलाने के पास ज्यादा है, आप मुश्किल से 2-3 करोड़ लोगों के बीच में है, 8 अरब यदि मनुष्य हैं माने जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आप जो सबसे अच्छों में समझ लीजिए कि 5 करोड़ के आसपास में आते हैं, बाकी इतने दुख तकलीफों में हैं, अलग अलग प्रकार की दुख तकलीफें हैं। आपके पास तो इतना सुंदर धर्म मिला है, इतनी सुंदर बातें सुनने का सौभाग्य मिला है कि शायद कहीं पर ये बातें होती हों, नहीं तो आज तो खाने पीने को धर्म समझ रखा है, खूब जोर जोर से म्यूजिक बजा लिया, खूब नाच लिया, इसको धर्म मान रखा है। और धर्म का मर्म है क्या ये पता भी नहीं है किसी को, कम से कम आपके पास ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी बातें सुनने के लिए आपको मौका मिल जाता है, चार भगवंतों के उपदेश आते हैं जिसके कारण से आपकी आत्मा की निर्मलता बनती है, ये अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझना। बताओ इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि जैन कुल आपको प्राप्त हो गया, बीतरा के परमेश भी आपको प्राप्त हो गया। लेकिन लोभ की वृत्ति यही है कि जो पास में है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है उसकी चाहत सदा बनी रहती है। लोभ का पेट ऐसा बड़ा होता है जैसे गोल्फ खेलने वाला व्यक्ति का पेट है, बॉल दूर रखी है तो स्टिक वहां पर पहुंच नहीं पा रही है, और बॉल पास में रखी है तो बीच में पेट अड़ा रहा है, उस बॉल को देख नहीं पा रहा है। एक मोटे आदमी के पेट की तरह लोभ है, लोभ की वृत्ति ही है कि जो पास में है वो कभी सुकून नहीं देता है और जो दूर है उसकी चाहत हमेशा बनी रहती है, और कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी कमा लो, चाहत से चाहत पैदा होती है। इस बात को ऐसे समझे कि जैसे आपने इच्छा रखी कि एक बढ़िया 50 लाख की फोर व्हीलर खरीद के लाना, 3 साल पैसा जोड़ा, कहीं कहीं से जुगाड़ किया, इच्छा थी अभी 5 लाख की थी, वो आनंद नहीं दे रही थी। अब आप ये सोच लेंगे कि वो 50 लाख की गाड़ी आ जाएगी तब आप संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ठीक है। 3 साल बाद वो गाड़ी आ गई, या 3 साल बाद हीरों का हार आपके पास आ गया, लेकिन उस 3 साल में जो बेचैनी आपके अंदर पैदा हुई थी, जो संस्कार गहरे लोभ का आपके अंदर जगा था, वो किसी दूसरी चाहत के लिए निकल जाएगा, किसी दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए वो मन आगे बढ़ जाएगा। वस्तु तो आपके पास आ गई है, आप सोचा कि वस्तु आ गई संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो मन के बेचैन होने का संस्कार आपने 3 साल में डाला है, वो बेचैन मन आगे किसी और वस्तु के लिए दौड़ लगवाएगा और आपको भिखारी बनाएगा। इसलिए वस्तुओं का अर्जन करें
तो ये सोचें जो बेचैनी हुई है वो संस्कार आत्मा में पड़ा है, वो हमें आगे भी दौड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं मैं कि आप वस्तुओं का संचय बंद तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है, लेकिन एक बोध के साथ। ये सब बातें बोध को देने वाली है। और जैसे अभी हमने सूत्र बताया ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दो कॉम्प्लेक्स में जीव डूबता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यदि आपको अपने दुख बहुत बड़े नजर आते हैं तो जरा संसार की ओर नजर उठा के देखो, कैसे कैसे जीव है कि जो दूसरों के भोजन के लिए ही बनी है। मुर्गे का जीवन देख लो भैया, जितना उद्योगीकरण या व्यापारीकरण हुआ है और जितना विज्ञान ने इस दुनिया और धर्म का नुकसान किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। हम देखते हैं कि जो मुर्गे घर में पलते हैं वो कटते हैं, पता है उनका घात होता है, वो भक्षण किए जाते हैं, और जो मुर्गे पोएट्री फॉर्म में पलते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इतनी दुर्दशा की जाती है पोएट्री फॉर्म में, थोड़ा सा आप सर्च मार के देखें तो सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे कि जीवों की दशा, इतना सुंदर प्राणी और ऐसे कैसे मनुष्य सिर्फ व्यापार के लिए इनका घात कर सकता है। मतलब निर्दयता की पराकाष्ठाएं है ये सब। नजर उठा के देखें जीवों में तो उनके दुख के सामने आपका दुख क्या बहुत बड़ा है क्या? मतलब उनको उतना स्थान दिया जाता है कि वो हलन चलन भी ना कर सके। जब चूजे होते हैं तो जो नर चूजा है उसको ग्राइंडर में तुरंत पीस लिया जाता है, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बचाए जाते हैं, बाकी ग्राइंडर में पीस दिए जाते हैं। चोंच उनकी काट ली जाती है ताकि दूसरे का घात ना कर सके, अपने को मार ना सके। पैर उनके बांध के रखे जाते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस ही उनको दिया जाता है, और एक प्रकार की फैक्ट्री के तौर पर उनका उपयोग किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। मतलब जैसे दूसरे प्रोडक्टों का निर्माण होता है वैसे ही उसका निर्माण वो वहां पर करते हैं। तो इतना दुख प्राणियों को है, जब आप अपने दुख से विचलित हो जाएं, तब संतोष कैसे धारण करें? तो उसका हमने फॉर्मूला बताया है कि संसार पे नजर उठाना और दृष्टिपात करना कि इतना दुख संसार के जीवों को है। बच्चियां बच्चे छोटे सा क्या होगा, नंबर कम आ गए, या जो उन्होंने सोचा था उस प्रतिस्पर्धा उस कॉम्पिटिशन में नहीं निकल पाए तो आत्महत्या के भाव आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि संसार असार है, सब बेकार है, अब तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। अरे ये पर्याय बहुत अनमोल पर्याय मिली है, इसकी कीमत तो सबसे छोटी सी एग्जाम, छोटी सी परीक्षाएं या छोटी सी वस्तुएं हमारे जीवन का आकलन नहीं करेंगी, हमारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। इस जगत में यदि सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा जीवन। सब कुछ हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, और यदि आप सोचते हैं कि इसका घात करके, इस जीवन का घात करके आप मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त नहीं होने वाले, अगले जन्मों में उसको छुपाना पड़ेगा। इसलिए छोटे से दुखों में कभी विगलित होना नहीं, और जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाए, अहम भावना से भर जाए, तो संसार की ओर नजर उठा के देखना कि धुरंधर कितने होके चले गए हैं, तुम्हारी क्या विसात है, किस बात के लिए अहंकार से भरे हैं। तो अपने सरलता को कायम रख सकते हैं आप, भगवान के पास आए और हाथ जोड़कर कहें कि भिखारी बन करना है, बल्कि अहोभाव से धन्यवाद भाव देने के लिए आए कि भगवान तुम्हारी कृपा से जो मिला है बहुत मिला है, मेरी औकात से कई गुना ज्यादा मिला है, मैं तो इसके लायक भी नहीं था, इतना तुमने दिया है, और धन्यवाद भाव से भर। जैसे इस विचार से आप भरेंगे, दो मिनट का मेडिटेशन करें,
धारणा शक्ति ध्यान शक्ति का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ तो मेडिटेशन की इतनी बड़ी शिक्षा दी गई है, जो आप अरहंते शरणम पवच्छामी पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ मंत्र नहीं है या सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, पूरा ध्यान का एक प्रयोग है। बहुत गहनता से इसके ध्यान जो कर ले तो फिर उसका तो जीवन ऐसा आनंदित हो जाता है कि फिर उसको कोई संसार के कष्ट सुख दुख की चिंता नहीं रहती है, वो तो अपने में मस्त रहता है। उसको भी बताएंगे कैसे क्या करना है। तो बस आज का सूत्र ये है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ज़्यादा शिकायतें किसी से नहीं करना है कि ऐसा मिला है ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि शिकायतें तो फिर नीता अंबानी के पास भी बहुत है, जो 2 करोड़ का पर्स रखी हुए थे। आपको लगता है कि मुकेश अंबानी का जीवन बहुत सुंदर हो गया, बहुत खुश हो गए, उसके पास अपनी समस्या है। आप जैसे सुकून से बैठ के सुन पा रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे, चाहते हुए भी वो सुकून नहीं ले सकते हैं। तो हमने कहा ना कि बेचैनी बेचैनी पैदा करती है, चाहत चाहत पैदा करती है। पहले मैं पैसे कमाने के कमाता था, अब पैसा मुझे कमाता है। पहले मैं फैक्ट्री चलाता था, अब फैक्ट्री मुझे चलाती है, अब उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ता है। आप जिसके गुलाम होते, जिसको गुलाम बनाते हैं ना, आप उसके गुलाम एक दिन हो जाते हैं। तो कई प्रकार के लोग हैं, खाने का लोग होता है, खाने का लोग होता है। अब जैसे यहाँ पे यदि आपको लोकेश भैया एक बड़ी संख्या बुलानी है तो पूरी समाज का भोजन रख दो तो पूरी समाज आ जाती है। किस कारण से कि भोजन है तो चलो भोजन के कारण पहुंच जाए। देखो नेता नहीं है ना, सब मंदिरों का ये हाल है, अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से बुलाओ बुलाओ। तो अभी हमारे पास कहाँ से फोन आया था, हाँ उन्होंने कहा कि आचार्य श्री को बुलाना है, पंच कल्याण कराना है, इंदौर के पास की एक जगह है, इंदौर का जब कार्यक्रम हो जाएगा, इंदौर में कार्यक्रम है बहुत बड़ा, अप्रैल लास्ट और मई प्रारंभ में पट्टाचार्य पदारोहण समारोह। तो उन्होंने कहा कि सारी कमेटियों को हमने इन्वाइट किया और सबका भोजन रखा, तो कम से कम 120 लोग कमेटी के जितने मंदिर हैं जितने भी सब मंदिरों के आए, और फिर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक पंच कल्याण बहुत बड़ा उनको कराना है। हमने कहा ठीक हुआ, हमने कहा भोजन नहीं रखते तो मुश्किल है, बहुत लोग जुड़ पाते, तरीका ठीक है, लेकिन है तो लोग। लेकिन कई बार अच्छी चीज़ों को दिखाने पास लगाने के लिए थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है, जैसे बच्चे को क्लास लगती है आपके यहाँ बुलाना है, या सुबह संध्या को पूजन भी करानी है तो बच्चों का नाश्ता रख दो, शाम को कुछ गिफ्ट बांट दो, तो बच्चे आते हैं, उस कारण से आते हैं। लेकिन साथ में 20 मिनट 25 मिनट की जो आपने अच्छी बात की है तो उसका 1-2% 10% उनके पास भी पहुंचता है। कड़वी दवाई ना कई बार पेड़े में लपेट के या मीठी चाशनी में घोल के दी जाती है ताकि वो ज़्यादा कड़वी न लगे, पेड़ा समझ के बच्चा खा ले और साथ में दवाई भी चली जाए, तो ऐसा प्रलोभन दिया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन खाने का लोग कितना ज़्यादा होता है, एक बार निमंत्रण किए एक सेठ जी ने, एक पंडित जी थे, 3 दिन पहले घोषणा हो गई थी निमंत्रण है, तो उन्होंने 3 दिन से खाना बंद कर दिया और नमक के पानी के गड़ारे चालू कर दिए क्योंकि उससे भूख ज़्यादा लगती है। उन्होंने कहा कि जब मिला है तो पूरा खाएंगे 6 दिन का, और साथ में अपने बेटे को भी ले गए वहाँ पर बैठ के भोजन, आन दो पुड़ी हुई तो साइड में जो मगज के लड्डू थे वो 50-60-70 सारे जितने मिष्ठान मेवा थे सब चालू हो गए, बीच में बालक ने थोड़ा पानी पिया तो उन्हें एक सिर में दिया कि पानी घर जाके पिया, यहाँ पर पूरे अच्छे से खाया, दोनों ने खाया गले तक खाया, बिल्कुल जगह नहीं बची, आए बीमार, अब हवा के लिए भी जगह ना छोड़े, पूरा गले तक खा लिया, अब उठा बैठा ना जाए,
बिल्कुल हालत खराब, डॉक्टर के पास गए। उस रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी हमने दो घूट पानी पिया था तो चार लकड़ी अच्छी तरह फट गए थे। फिर उन्होंने किया कि वहाँ पर नहीं बता सका, मैं भी थोड़ा पानी पी लिया था तो चार लकड़ी फट गई। मतलब हालत खराब है फिर भी भोजन के प्रति आसक्ति नहीं जा रही। डॉक्टर ने कहा कि गोली खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गोली के लिए जगह होती तो एक लड्डू बड़ोसा आता, गोली के लिए भी जगह नहीं है। फिर जैसे जैसे उपचार हो, मतलब कहने का कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, डॉक्टर ने भी मना कर दी है चीजें, लेकिन रसना इंद्रिय के लोभ के कारण से, भोजन के लोभ के कारण से चीजें छूटती नहीं है। भक्ष भक्ष का ज्ञान रहता नहीं है। ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो अपना धर्म है वो कौन सा धर्म है, अहिंसा धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, शाकाहार धर्म है। उसकी रक्षा के लिए हमें कम से कम थोड़ा कट्टर तो होना चाहिए और अपने बच्चों को भी करना चाहिए। हम होटल का त्याग नहीं कराते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट को चुने जिसमें नॉन वेज ना हो। इतना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप जब स्वयं नहीं खाएंगे, बच्चों को नहीं ले जाएंगे तो उनको भी समझ आएगा। और बचपन से शिक्षा दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो हिंसा करते हैं उन्हें कोई स्कूल शिक्षा नहीं देता है, उनको घर से ही शिक्षा मिलती है। सारी जो अपनी निकृष्टता के भी निकृष्ट स्तर के हैं, हिंसा को धर्म मान रहे हैं और अभक्ष को भी वो बहुत अच्छी चीज मान रहे हैं, उसकी वो शिक्षाएं घर में देते हैं, लेकिन हम तो इतने उत्कृष्ट संस्कृति के हैं तो उसकी गहरी शिक्षा डोमिनो से पिज्जा आ रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं वहां पर, वेज नॉन वेज सब बनता है। इतना क्यों हो सकता? आज से 15-20 साल पहले क्या ये सब चीजें नहीं चलती थी तो क्या लोग भूखे मर रहे थे क्या? तब भी अच्छे से रह रहे थे। आजकल तो सारी चीजें घर में भी बन जाती हैं। तो कम से कम जैन है तो इतना तो ध्यान रखें कि हम अपने शाकाहार को अपना प्राण समझें और उस ओर थोड़े से कट्टर जरूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि आप यदि ये हमने सतना में एक बार कहा था कि यहाँ पे इतने संपन्न लोग हैं और मैरिज गार्डन आदि जब चुनना पड़ता है तो ऐसे गार्डन चुनना पड़ता है जहाँ पे वेज नॉन वेज, भले आप नॉन वेज मत बनवाओ लेकिन दूसरी शादी होगी बगल में इसके एक गार्डन है, 3 शादियाँ करने के उसके 3 हॉल हैं, तो दूसरी जगह को नॉन वेज भी वहाँ पर दे रहा है, सर्व कर रहा है, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपके द्वारा पुष्टि भी किसकी हो रही है? आप 4 गार्डन अपने खोल दो और ये रख दो कि समाज जब शादी करे तो इन्हीं पे करे, क्योंकि यहाँ पर कभी नॉन वेज नहीं मिलेगा। ये अहिंसा धर्म के पालन और शाकाहार के पालन कराने वाले ऑप्शन तो हमें देने पड़ेंगे। जैसे बच्चों से या बड़ों से हमने आलू का त्याग करा दिया लेकिन उनको टेस्ट लगा है समोसे का, तो उन्हें केला का समोसा उसी टेस्ट का देना पड़ेगा। ऑप्शन देना पड़ेगा तब आप छुड़ा सकते हैं। वो कोई बहुत बड़े त्यागी नहीं है कि एकदम से सब छोड़ दें और घर से निकल जाए। तो ऐसे ऑप्शन चुनने चाहिए जिससे अपना धर्म बचा रहे, अपनी संस्कृति बची रहे। अपनी संस्कृति अपने प्राण है और अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। कल वो सूत्र था ना, कौन सा सूत्र था कल दिया था, भूलना नहीं। जैसे आज हमने सूत्र दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और ये सूत्र मात्र नहीं है, ये ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान के पास आए या ना आए, बस सुबह से एक बार जरूर भगवान को धन्यवाद दें इस सूत्र को स्मरण करके, तो जीवन बदलना प्राप्त हो जाएगा। तो कल सूत्र दिया था, क्या कहेंगे लोग हैं सबसे बड़ा वो, लोगों की चिंता नहीं करनी है हमें, अपनी संस्कृति अपने धर्म की चिंता करनी है। मित्र ऐसे मिलेंगे कि आप
सिगरेट को शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं और वो आपको कहेंगे कि बैकवर्ड पिछड़ा हुआ है। आज का 21वीं सदी आ गई है, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और ये कौन से कुंठित भावों में जी रहा है। तब आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि कुंठित भावों में हम नहीं तुम जी रहे हो। उसमें ऐसा क्या है जिसको पिया जाए या जिसका नशा लिया जाए और इससे फायदा है क्या? तो शरीर को मन को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इतना सोच होनी चाहिए, ऐसे तर्क होने चाहिए। लोग बर्थडे मनाया जा रहा है, अंडा डला हुआ है केक में और आपने खाने से मना कर दिया तो 10 लोग आपको देखने वाले कि भैया बड़े धार्मिक बने हैं, सब खा रहे हैं। वहां पर बोलने की क्षमता होनी चाहिए कि हम अंडा नहीं खाते हैं, इसमें जीव होता है। हम जब बचपन से इतने धार्मिक थे, जब कॉलेज गए तो ये स्थिति देखनी पड़ी। और हमारा तो कितना साल, 10-12 साल पहले कॉलेज खत्म हो गया, तब तो चीजें बढ़ चुकी हैं। हमारे पास हमारे कजिन वगैरह को फोन आते, मतलब जब उनकी डिबेट होती वेज नॉन वेज पे, तो उनके पास तर्क नहीं होते वेज को सपोर्ट करने में। तो ये शिक्षा भी दें कि बेच के क्या फायदे हैं, इससे प्रकृति को कितना नुकसान हुआ नॉन वेज से, ताकि आपके बच्चे को तर्क दे सकें कि 1 किलो मांस पैदा करने में कितना जल बर्बाद होता है, उसका जो वेस्टेज कचरा निकलता है वो कितनी प्रकृति को खराब करता है। ये सारे आंकड़े रटे रहने चाहिए ताकि स्कूल कॉलेज में कभी डिबेट हो तो वो अपना पक्ष अच्छे से रख सकें। बहुत सारी बातें सिखाना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी बातें सिखाना भी बहुत जरूरी बात है। तो हमने कहा कि कभी हीनता की भावना में आना नहीं अपने धर्म को लेकर के, कि मंदिर जा रहा है कोई तो अरे आज के समय कोई मंदिर जाता क्या, मन को अच्छा कर लो हो गया। अरे नहीं भैया, मन अच्छा होगा तो मंदिर आएगा और मंदिर आता रहेगा तो मन अच्छा होता रहेगा, संस्कृति बची रहेगी। तो जो भी है, खान पान संबंधी हो या संस्कृति संबंधी हो, देखो संस्कृति का कैसे बर्बाद किया है, इस पर एक संगोष्ठी हुई थी तो जिसमें चर्चा आई थी कि सुबह से क्या करना चाहिए। सुबह से उठ के भगवान का स्मरण कर लो, नहा धो लो, मंदिर आ जाओ और फिर अपना नाश्ता भोजन करके स्कूल आ जाओ। ये था 10 बजे स्कूल था, धीरे धीरे स्कूल का टाइम चेंज करके 8 बजे 7 बजे कर दिया। ये कॉन्वेंट स्कूल की परंपरा चालू हुई। कलकत्ता में 6 बजे से स्कूल चलता है। हम गए थे अभी, जिस घर में रुके थे उनके 2 बच्चे थे, बोलते कि 6 बजे से स्कूल कॉलेज चालू हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब वो व्यक्ति ना नहा पाए ना कुछ हो पाए, मौत हो के सीधे कॉलेज पहुंच जाए। तो ये सब सिस्टम चालू किए गए ताकि जो परंपराएं रही हैं कि सुबह से उठे मात्र, हम तो सरस्वती स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल जाते थे तो वहाँ पर हमारे टीचर रोज पूछते थे कि आज कौन कौन अपने माता पिता के पैर पड़ गया, तो इस कारण से रोज पैर पड़ के भी जाते थे और वो संस्कार पड़ा। यदि संस्कृति का हनन करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दो, और कॉन्वेंट स्कूल ने यही किया, शिक्षा और स्वास्थ्य में घुस करके आपकी संस्कृति का नाश किया। हम संपन्न होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाए, ये हमारी कमी। वहां पर उनको वो वाली प्रेयर तो याद रहेगी, लेकिन अपने यहाँ की मेरी भावना हो सकता है याद रहा। सारे बच्चों को, 1000 बच्चे तो सबको प्रेयर याद हो जाओगे, कैसे फादर होते हैं, कैसे उनकी गुणानुवाद क्या है उनका, सब पता रहता है। तो निश्चित रूप से घर ही पहली पाठशाला है, वहां से ही बच्चों को संस्कारित करना है। पहले हम कट्टरता के बाहर ही बोलते थे, जैसे कई बार महाराज जी आते थे बोले कट्टर होना चाहिए, लेकिन अब हाँ हम भी बोलते हैं कि कट्टर होना चाहिए। यदि देखो संसार में दो धर्म बचे हैं जिन्होंने कट्टरता से अपने धर्म को फॉलो किया है, और जो लिबरल हो गए हैं वो समाप्त हो गए हैं अपनी संस्कृति अपने धर्म के प्रति।
अभी एक परसों नरसों इंदौर का आया एक मामला, इसलिए सुना रहा हूँ कि कैसी चीजें। 102 वर्ष वहाँ की परंपरा थी, 102 साल से अभय भैया कि जो पर्यूषण के 5 दिन का आखिरी के पंडाल लगता था वो रोड में लगता था, एक बहुत बड़ा पंडाल, और वहाँ पे सब पूजा अर्चना और उनके कार्यक्रम होते थे और एक साइड पे पूरी रोड ब्लॉक होती थी। 102 साल से वो परंपरा थी हुकुमचंद सर सेठ हुकुमचंद और उनके पहले समय से थे। हाँ आज मतलब तो वहाँ की कमेटी पे दो अध्यक्ष इंदौर कमेटी पे, तो एक ने कहा कि जो परंपरा चल रही है वो ही चलेगी, दूसरे ने कहा कि नहीं हम एक नई मिसाल पैदा करेंगे, पास में एक हॉल है उसको किराए से लेते हैं, उस हॉल के अंदर पूरा पंडाल लगाते हैं और एक मिसाल देते हैं कि हम धार्मिक अनुष्ठान से कभी ये किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। और इतना झगड़ा हुआ कि पुलिस आई, पोलिस आई, मुख्यमंत्री तक आ गया, तमाम बातें वहाँ पर हुई, प्रमाण सागर के पास वो बातें पहुँची और फिर उन्होंने जो भी विधि हुई, तो अध्यक्ष ने कहा जिसने विरोध किया पंडाल बाहर नहीं लगना चाहिए कि हम दुनिया को ये मिसाल देना चाहते हैं कि जैन ऐसे होते हैं और जो किसी का कुछ नहीं और दूसरे लोगों की सीख ले, उसको ना तो इतिहास का पता है न चीज़ें कैसे घटित होती हैं, आप कितने भी सीधे होते जाओ आपको देख के दूसरा सीधा हो जाएगा, बिल्कुल भूल जाना, आपकी जो परंपरा है 102 साल से वो ही निर्वाह करनी थी। अब बच्चों को या युवाओं को नहीं लोग लगेगा कि वास्तव में उसने सही का काय को इंतजाम करने का क्यों करना, यदि दूसरे ऐसा नहीं करेंगे बल्कि आजकल तो चीज़ें और बढ़े रही हैं तो हम माने आप किन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और उनके बीच खुद को कैसे रखना है, तो 1% अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते। हाँ बुरी परंपरा है बात अलग है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इन सब चीजों की होना बहुत जरूरी है। और जो शिक्षा पद्धति में है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, धर्म से ही संबंधित है, उस पर बाम मध्य का कब्जा रहा है, मुगल काल की इतनी प्रशंसा की गई है, उदयपुर गए थे तो महाराणा प्रताप के बारे में जब हमने सुना तो वहाँ पर पता चला कि वो हल्दीघाटी का युद्ध जीते थे और इतिहास में उसको हारा हुआ बताया गया है, और मुगल काल के हमने तो इतिहास पढ़े हैं और पूरा इतिहास तो मुगल काल के तो हमें सारी चीज़ें पता है, सारी संत पता है, सब चीज़ें पता है, तो कैसे इतिहास में चीज़ें अलग की गई और वो चीज़ें डाली गई हैं और बड़े लिबरल चीज़ों की बात की जाएगी, आपको तो बड़ा लिबरल किया जाएगा कि भैया जो जैसा खा रहा है उसको खाने दो, आपको किसी से द्वेष नहीं करना है, आपको तो अपना शांति से उसका सहयोग करना है और आपको भी शिक्षा दी जाएगी, आप फिर भी शेयर करने लगेंगे, धीरे धीरे कैसी आदतें होती हैं। हमारा कजन स्विट्जरलैंड में है तो उससे एक बार चर्चा हुई, हमने कहा कि वेज नॉन वेज का क्या है, बोले कि कुछ नहीं, पहले हम अपना टिफिन खाते थे बगल वाला अपना खा रहा है, फिर धीरे धीरे वो हम अपनी चम्मच से हमारे टिफिन से कुछ ले लेता था, हम तो लेते नहीं थे, हमने कहा उसकी चम्मच कैसी रहती, मतलब तो वो तो सब खाता था। हमने कहा कि तुम्हें पहले कैसा लगता था, बोले सबसे शुरू में थोड़ा गिलानी भाव लगा कि यार क्योंकि अपन ने कभी किया नहीं, फिर धीरे धीरे बगल में बैठ के खाने लगा तो खा रहा है तो खा रहा है, वो चम्मच भी डाल देता है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ऐसे ऐसे गिलानी भाव चला जाता है और अभक्ष चीज भी धीरे धीरे आदमी खाना चालू कर देता है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ही रुकना आवश्यक है, वहीं पर कट्टर होना आवश्यक है कि वो चीज़ हमें खानी ही नहीं है, लेनी ही नहीं है, उससे हमें परहेज करना है, तो इससे ही धर्म बचने वाला है। बातें बहुत हैं, आज शौच धर्म की बात थी तो भोजन का लोभ होता है, धन का लोभ होता है, धन के लोभ की तो बात ऐसी है कि कितना भी कमाते चले जाओ कभी पूर्ति नहीं होने वाली है। और एक दृष्टांत आता है कि पहले के लोग राम बनना पसंद करते थे, आज के लोग दौलत राम बनना पसंद करते हैं। राम को क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता कि कौशल्या के पुत्र थे,
इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कैकेयी को भी माँ जैसा सम्मान किया था। उनको इसलिए नहीं कहा जाता राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए कहा जाता है कि विजय प्राप्त करने के बाद भी लंका को छोड़ के आ गए थे वापस। देखो राम का जीवन एक आदर्श जीवन है। बस एक दृष्टांत देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत सारी बातें हुई है और काम की भी बहुत सारी बातें हैं जो निश्चित रूप से समाज और परिवार उत्थान के लिए हैं। तो राम के लिए इतना सुंदर ज्योतिषी कौन होगा जिसने राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। सबसे सुंदर सबसे प्रकांड ज्योतिषी को बुलाया गया था जिसके द्वारा मुहूर्त निकलवाया गया था राम के राज्याभिषेक का। पर क्या होता है राज्याभिषेक के समय? भैया भरत को राज सिंहासन और राम को वनवास, और राम बिना सिकंद के माथे पे पूरा का पूरा वैभव छोड़े, नहीं तो कौन छोड़ेंगे। एक बार यदि मन बन जाए ना आपका कि चलो 6 दिन की ट्रिप में दुबई जाना है, 1 महीने पहले से प्लान बन गया और 10 दिन पहले यहाँ पे सब इंडिविजुअल फैमिली है, गांव में हम थे 25-25 सदस्य एक एक परिवार में, दूसरा बोलते कि नहीं हमारा प्लान शिमला जाने का बना है उसी कार्य में तो अपना कह सकते, तो भैया इतनी तकलीफ हो जाती थी कि हमने प्लान बनाया है और तुम कैंसिल कर रहे हो। जिसका मन बना होगा पूरे अयोध्या के सम्राट बनने का और अचानक बोल दिया जाए कि तुम्हें नहीं मिलना है, तुम जाओ तुम्हारे भाई को मिलना है, तो कितना बड़ा आघात लगेगा बताओ, सोचो थोड़ा सा। लेकिन किंचित भी शिकंद नहीं आई, सहज वह स्वीकार कर लिया क्योंकि संतोष उनके अंदर बहुत गहरा था। तो ऐसा संतोष अपने जीवन में आए, हम भी शुचिता को प्राप्त हों। मन मंदिर इसलिए नहीं आना है कि मंदिर आना है, मन मंदिर बन जाए इसलिए मंदिर आना है। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि साधु बनने के लिए साधु नहीं बना जाता है बल्कि साधु ना बनना पड़े बार बार इसलिए साधु बना जाता है, है ना। तो निश्चित रूप से जो क्रियाएं कर रहे हैं या जो बातें हमने सीखी हैं आज का सूत्र है आप लेकर, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सूत्र मात्र नहीं है, ये सूत्र जैसे ओंकार महामंत्र की तरह है, ये भी एक मंत्र की तरह है, हमारे स्मरण में चलता रहे, दिन में 10 बार 15 बार इसको दोहराते रहे तो जीवन निष्खालित हुए बिना पवित्र हुए बिना हो नहीं सकता है। एक सकारात्मक सोच आपके अंदर आएगी, बातें बहुत सी थी लेकिन कोई और बात दिमाग में आई और वो बात भी कहना जरूरी था इसलिए कही और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे समय रहेगा। इसी भावनाओं के साथ जयपुर आचार्य देव शुद्ध सागर जी महाराज की।